नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवान लहराएगा। सारे राज्य में डंडी पिटवा दो, फिर उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। हिंदू आदि नेता है। जब राम नवमी को वो रैली लेके निकलता है भगवान श्री राम की, जो प्रतिमा के साथ चलता है, लाखों लाख की भीड़ रहती है, मस्जिदों को ढक दिया जाता है, वहाँ का होम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट पूरी एक बैठक करती है, उस दिन कोई भी मौलाना मौलवी और मुसलमान टोपी नहीं लगाएगा। इतना क्रोध है उस आदमी का। दिक्कत ये नहीं कि बागेश्वर धाम के गद्दी पर बैठे हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू है। लिबरलों की दिक्कत ये है कि बागेश्वर धाम की गद्दी पर बैठे हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कट्टर हिंदू है। ये एक माध्यम है, ये तो सब बहाना है, असलियत में सबको सनातनी बनाना है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ओसामा बिन लादेन को
और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो फिर उनके उन विषैले पनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ।